हाय फ्रेंड्स, सब अच्छे हैं। मैं पहले कटिंग करके दिखाया था, उसका स्टिचिंग करना दिखाना थोड़ा लेट हो गया, माफी चाहती हूँ। अभी स्टिचिंग दिखाती हूँ। तो ये कपड़ा ऐसे रखना गले का, और इसको धीरे धीरे स्टिच करना। आप हैंड मशीन में कर रहे तो वैसा, नहीं तो मोटर में कर रहे तो वैसा, आपके पास कौन सा मशीन है वैसे आप कर सकते हैं उसी हिसाब से। तो ऐसे गला बना, ये गले का स्टिचिंग हो गया। अब ये हैंड का भी स्टिचिंग कर लेना। अभी हैंड का भी हो गया, गले का भी हो गया। उसके बाद उसको थोड़ा ऐसे कट करना। इसे कोना कोना थोड़ा कट करने से अच्छे से बैठेंगे। और यहाँ पे भी ऐसे करना। उसके बाद इसको कपड़े को पेंट करना। पेंट करने के बाद इसको दबाना मशीन से, नहीं तो ये ऐसे उठाते रहेंगे, ऐसे दबाने से अच्छा शेप आएगा। ऊपर से एक सिलाई मार लेना, धीरे धीरे मारना। गला हमारा अपना, बच्चों का गला, दूसरा ड्रेस देखते थोड़ा बहुत जितना चाहिए उतना रखना, 3 या 2 ढाई, 2 ढाई भी रखने से भी चलेगा। ज्यादा गला बड़ा हो गया तो भी अच्छा नहीं रहता। उसके बाद इसको भी दबा देना, पीछे का पोर्शन भी बना दिया मैंने। अभी ये देखो, ये फर्स्ट कपड़ा है, हाँ ये। उसके बाद ये लेनिंग कपड़ा है, लेनिंग बोले तो सिल्क का है, और ये कॉटन है। और इसके ऊपर ये मिलता अपने को शॉप में, वो कैन बोलते हैं, ये भी लेना चाहिए। ये भी लेने से फ्रॉक थोड़ा खड़ा रहेगा। पहले ये कॉटन लगा के उसका ऊपर ये ऐसे लगा के स्टिच करना, ऐसे स्टिच करना। और उसके बाद ये लगाना, और उसके बाद ये क्या लगाना। उसके बाद ये ज्वाइन कर देना। ये ज्वाइन कर दिया ना, अभी आगे का पार्ट है। ऐसे ही मैं दूसरा पीस भी ऐसे ही ज्वाइन करके रखा हुआ है, आपको दिखा रहे हैं। ये देखो, एक पीस है और ये साटन है, ये कॉटन है,
ऐसे एक साथ रख के सिलना। अभी ये तीनों पीस ज्वाइन कर रही हूँ, ये तीनों पीस पहले ज्वाइन करना, आसानी से हम बना सकते हैं। अभी इसके साथ करना है ज्वाइन करने के लिए सिले में दोनों तरफ पकड़ के ऐसे करके सिलाई कर देना। ये आगे का पोर्शन और पीछे का पोर्शन सिल लेना और दो सिलाई मार देना। दूसरी साइड भी इसे सिलाई कर देना और इसका अंदर ये लगाने की वजह से ये खड़ा भी रहेगा थोड़ा। ऐसे डालने के बाद अच्छा दिखेगा। और मैंने तो 2 मीटर कपड़े खरीदे थे तो 2 मीटर ये भी लिया और ये भी लिया और कॉटन भी लिया, तो उससे मैं एक फ्रॉक बनाने के बाद बच गया था, उससे मैं और एक फ्रॉक छोटा बना दिया। ये और एक छोटे बच्चे को आएगा ऐसा और एक फ्रॉक भी वो कपड़े से बना दिया। और इसके लिए आप अभी आपको हान चाहिए तो उसको भी जिगजैग करा के थोड़ा अच्छा लगेगा। इसे 3 पीस जिगजैग करा के इधर लगा दिया तो और भी सुंदर दिखेगा। ये मार नहीं कर, ये ऐसे 3 कपड़ा लेना, लेके थोड़ा जिगजैग करा दिया तो अच्छा रहता। अब मैं हैंड्स नहीं लगा रही हूँ, उसको हैंड्स का बिना हैंड्स का ही पसंद है मेरी पोती को। और ये ऐसे बना दिया तो ये भी हम लगा सकते हैं ऐसा ऐसा लगाने से और थोड़ा अच्छा दिखेगा। आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ऐसे बना के लगाओ। और अपने पास थोड़ा छोटा कपड़ा बचने से भी अपन ऐसे सब बना सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। आप ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।